गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज का टॉपिक है द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट इन वेरी ब्रीफ। देखिए, इसके लिए हमने आपको डायग्राम शो की है। दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट क्या है? ये हमारा एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। द अपर ब्रॉडर साइड दैट इज कॉल्ड एज द बेस, लोअर पॉइंटेड पोर्शन इज कॉल्ड एज द एपिक्स, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, द राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज द ऑर्टिक आर्क और द डॉर्सल ऑर्टा, जो हमारी सारी बॉडी में ओ टू ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द हार्ट मसल्स आर सप्लाइड बाय द कॉरोनरी आर्टरीज एंड द वेन्स। देखिए, कॉरोनरी आर्टरीज इसके अंदर ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं, एंड द ब्लड कलेक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉरोनरी वेन्स। इसका मतलब यह है कि हार्ट की मांसपेशियों को कॉरोनरी आर्टरीज और वेन्स की ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड की कलेक्शन होती है। नाउ द ऑर्गन्स रिलेटेड विद द हार्ट इन्फीरियरली, एपिक्स ऑफ द हार्ट रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के बिल्कुल नज़दीक होता है। सुपीरियरली रिलेटेड विद द ग्रेट ब्लड वेसल एंड सुपीरियर इन द aortic superior vena cava pulmonary artery and veins, posteriorly related with the esophagus, then is the trachea, left and the right bronchus, descending aorta, inferior vena cava and thoracic vertebrae। laterally yani ki lateral side se agar hum dekhen, this is with the lungs, the left lung overlaps the left side of the heart, यानी कि हमारा left lung हमारे heart को overlap करता है, उसको cover करता है। inferior the anteriorly, अगर anteriorly देखें with the sternum, ribs and the intercostal muscles। now layers of the heart, the epicardium, second is the myocardium and the innermost is the endocardium। नाउ लेट अस कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट की बात करते हैं, दैट व्हाट आर द इंटरनल, व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसमें हमने डायग्रामेटिकली आपको दिखाया है कि हमारे हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से पाई जाती है, जिसमें आप ये देखेंगे एक पोर्शन को हमने रेड कलर से दिखा रखा है और एक पोर्शन को हमने ग्रीन कलर से दिखा रखा है। This is the left part of the heart which contains the O2 blood and this is the right part of the heart which contains the CO2 blood। अब हम एक एक करके बहुत ही ब्रीफ में आपके सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले राइट पार्ट में ये CO2 blood कहाँ से आता है? By the superior vena cava and the inferior vena cava from the upper and the lower parts of the body। ये right auricle में आने के बाद इट कम्स इन द राइट वेंट्रिकल बाई द AV अपर्चर विच इज़ गार्डेड बाई द ट्राइकस्पिड वाल्व। एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ब्लड को आने देता है, वापस नहीं जाने देता। हमारे राइट वेंट्रिकल में से एक लार्ज ब्लड वेसल निकलती है विच इज़ कॉल्ड एज द पल्मोनरी आर्ट्री एंड विच डिवाइड्स इन टू टू राइट एंड लेफ्ट, जो हमारे दाएं और बाएं फेफड़े में जाती है और CO2 ब्लड को ले जाती है फॉर दी प्योरिफिकेशन। नाउ इन ब्रीफ लेट अस कम टू दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड इट रिसीव्स दी O2 ब्लड बाय दी फोर पल्मोनरी वेन्स। चार पल्मोनरी वेन्स के द्वारा इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है। आने के बाद इट एंटर्स इन दी लोअर पार्ट दैट इज दी लेफ्ट वेंट्रिकल by the AV aperture which is guarded by the bicuspid valve। ठीक उसी तरह से tricuspid valve की तरह से ये bicuspid valve present होता है, जो blood को सिर्फ एक ही side में जाने देता है, वापस नहीं आने देता। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक बड़ी blood vessel निकलती है जिसका नाम है the aortic arc और dorsal aorta, जो सारे शरीर में oxygen वाले blood को पहुंचाने का काम करता है फ्रॉम हेड टू टो। इसकी तीन ब्रांचेस निकलती हैं। फर्स्ट इज़ दी ब्रेकियोसीफेलिक आर्टरी, सेकंड इज़ दी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी
थर्ड इज दी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। तो इस तरह से ये हमारे हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये देखिएगा द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स आर थिनर, हमारे वेंट्रिकल की राइट वेंट्रिकल की दीवार कंपैरेटिवली ऑरिकल के कंपैरेटिवली कुछ मोटी पाई जाती है। रीज़न, क्योंकि ये हमारे फेफड़ों के अंदर ब्लड को भेजता है और उसके लिए इसको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंपैरेटिवली 3 times मोर थिकर एज कंपेयर टू द राइट वन। रीज़न, बिकॉज इट हैज़ टू एग्जर्ट और टू पुट मैक्सिमम प्रेशर टू सेंड द ब्लड टू द कंप्लीट बॉडी फ्रॉम हेड टू टो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रेशर लगाना पड़ता है एंड द ब्लड प्रेशर इज मच मोर हायर इन दिस पार्ट। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड प्रेशर भी कहीं ज़्यादा पाया जाता है। अब इसी तरह से देखिएगा हमारी जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के नीचे भी एक वाल्व पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज दी पल्मोनरी वाल्व। और इसी तरह से ऑर्टिक आर्क के नीचे भी या डॉर्सल ऑर्टा के नीचे भी ऑर्टिक वाल्व पाया जाता है। सो देर आर टोटल नंबर ऑफ दी वाल्व्स आर 4, दैट इज़ दी बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, दी पल्मोनरी वाल्व एज वेल एज दी सेमिलुनर वाल्व और दी ऑर्टिक वाल्व। तो ये 4 वाल्व हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी हार्ट। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड दी नर्व सप्लाई इज बाय दी वेगस नर्व। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं ब्रीफ में कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू नो दैट हाउ द ब्लड सर्कुलेशन टेक्स प्लेस। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने के बाद ही हम उसे आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।